एवरीवन, दिस साइड निशांत। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम दोबारा से आ जाए हैं अपनी एक क्लास के लिए जो कि है हिंदू एनालिसिस और की थर्ड ऑफ जैन का। ठीक है, तो चलिए सर, बिना कुछ डिले किए हुए क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। मुझे आप एक मिनट दीजिएगा। चलिए, तो आज जो है हमारे पास न्यूज अराउंड 10 to 12 न्यूज हमारे पास है। तो हर एक न्यूज का जो है हम डिटेल एनालिसिस हम करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम टाइम को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, और एक आध न्यूज जो है हमारे पास आज, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूज है जो आपने शायद सुनी होगी, वो मेरी पीपीटी में नहीं है, जिसमें कि आरबीआई ने जो है एक कह सकते हैं डिस्कशन पेपर निकाला है फॉर द टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। तो ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें आरबीआई ने एक पिरामिडल फ्रेमवर्क जो है वो निकाला है। तो ये अगर मैं कवर करूंगा इस न्यूज के अंदर तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सिंस अभी मैंने पूरा वो जो डिस्कशन पेपर है अराउंड 42 पेजेस का है, वो मैं अभी पूरा गो थ्रू मैंने किया नहीं है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही हार्ड है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो सिंस अभी आई एम स्टिल रीडिंग इट, तो इट विल टेक मी सम टाइम टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट विल टेक मी अराउंड कपल ऑफ डेज, उसके अंदर जो है मैं उसका आपका जो है जो डिस्कशन पेपर है वो उसका सेशन में आप ले आऊंगा। ठीक है, फॉर द मीन वाइज जो बची हुई खबरें हैं उसको हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से जो कि है ये। ठीक है, तो हमारी पहली खबर क्या है सर? हमारी पहली खबर ये है कि इंडिया ने हमारी पहली खबर ये है कि इंडिया ने क्या किया है सर? इंडिया ने प्रपोज किया है टू एक्सपेंड रिसर्च टूरिज्म इन द आर्टिक। ठीक है, अब पहले तो हम आर्टिक की बात कर लेते हैं, ये आर्टिक में चक्कर क्या है, आर्टिक क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा, देन हम ये जो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी है जो इंडिया की, इसके बारे में हम यहाँ पर न्यूज में देखेंगे। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री मारते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्या आते हैं, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको रिटाइट भी किया हुआ है तो हम यही देख लेते हैं। ठीक है, रिसेंटली क्या किया है, इंडिया ने रिलीज की है एक ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी जो एंश्योर करती है कि आर्टिक रिसोर्सेज जो है उसको एक्सप्लोर करें और सस्टेनेबली यूज करें। आर्टिक के रिसोर्सेस को जो है हम क्या करें, एक्सप्लोर करें और उसे सस्टेनेबली यूज करें, समझ गए? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं सर, देखिए कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं सर। पहली चीज समझिए सर क्या है, आर्टिक में क्या है ना, आर्टिक में रिसोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, समझ गए? आर्टिक में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या है, मतलब मैक्सिमम जो एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, समझ रहे हैं? अनएक्सप्लोर्ड क्यों है, क्योंकि वहां कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन होता है किसका, आइस का, समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना सर, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो आइस है वो क्या हो रही है सर, वो मेल्ट हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो आइस है वो क्या हो रही है, वो मेल्ट हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जो आर्टिक में एक्सपीडिशन है, मिशंस जो है कंट्रीज जो करती हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं सर। कंट्रीज के एक्सपीडिशन क्या है, बढ़ रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है सर, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और पिछले न्यूज में हमने सुना भी था कि रशिया, चाइना एंड यूएस या आपस में कह सकते हैं कि इन कंट्रीज के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, क्योंकि समझिए सर, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पहले वहां पर एक्सपीडिशन कम होते थे क्योंकि आर्टिक जो है अराउंड 6 मंथ्स आप कह सकते हैं कि बर्फ से भरा होता है, या ऑल ओवर द ईयर वो बर्फ से पूरा ढका होता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या हो रहा है वहां पर, वहां पर यह हो रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, और जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है तो वहां पर एक्सपीडिशन बढ़ रहे हैं, और अगर एक्सपीडिशन बढ़ रहे हैं या मिशन बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है बिटवीन दी कंट्रीज, राइट? ये आपका हो गया सर। अब सर देखिए इससे कितने नुकसान है, नुकसान क्या है ना, हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, क्योंकि हमें मतलब इस टाइम इंडिया से ही है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में गोली मारो, हमें सिर्फ इंडिया से मतलब है, ऐसा नहीं है सर, रूल्स पूरे वर्ल्ड के लिए ही आते हैं, तो बेसिकली हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पड़ेंगे। ठीक है, देखिए समझिए सर, इफ इन केस अगर आर्टिक की आइस जो है पिघलती है, इफ इन केस आर्टिक की आइस जो है समझिए पिघल गई, पिघल रही है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को लेता हूं, इससे क्या होगा सर, सी लेवल जो है वो राइज होगा, समझ गए? सी लेवल राइज होगा तो इससे क्या होगा सर,
डिजास्टर आने की संभावना है। डिजास्टर कैसे? जो ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ये क्या हो सकते हैं? ये सर सबमर्ज हो सकते हैं, डूब सकते हैं, डूब सकते हैं। सेकंड, इसके एस्पेक्ट क्या हो सकता है सर, कि जो ये पॉपुलेशन है सारी जो है इंडिया के अंदर मेन लैंड में चली जाएगी, तो मेन लैंड में क्या होगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज वहां मिनिमम है, मतलब ऑप्टिमम रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आ जाएगा, समझ रहे? तो ये सब मेंस के टॉपिक है सर जो बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे? तो अभी फिलहाल हमारा मेन मोटिव ये था, मैं बहुत आगे पहुंच गया हूँ, आई होप ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि इंडिया ने एक ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी जो है वो निकाली है आर्टिक रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए और उसे सस्टेनेबली यूज करने के लिए। सस्टेनेबली मीन्स ये होता है हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हमारे भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो पर्याप्त मात्रा में रहे या सफिशियंट अमाउंट में वो मौजूद रहे, ठीक है। चलिए, इस पॉलिसी में क्या होता है ना, अब देखिए जो पॉलिसी है, इंडिया विल मेक श्योर दैट इट अबाइड्स बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्टिक काउंसिल। जो आर्टिक काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडिया उसे फॉलो करेगा, समझ रहे हैं? इसमें जो है सर पांच मेन पिलर्स हैं आर्टिक पॉलिसी के। एक तो हम साइंस एंड रिसर्च करेंगे इसमें, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए सर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी हमारी वहां से अच्छी होनी चाहिए, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये पांच इसके पिलर्स है सर, कभी भी पीटी में पूछ सकते हैं कि न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी जो है। लेकिन समझिए सर, अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी ये पब्लिक डोमेन में जो है रखा गया है, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है और पब्लिक से जो है इसके लिए कमेंट मांगे गए हैं, समझ रहे हैं? और जब ये बिल के तौर पे या ऑर्डिनेंस के तौर पे प्रपोज हो जाएगा देन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो ड्राफ्ट में पांच पिलर्स हैं वो ये हैं, अभी ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पांच पिलर्स देख लीजिए एक बार, नजर मार लीजिए, याद नहीं करने हैं अनलेस एंड अंटिल ये जो है बिल ना बन जाए, समझ रहे? चलिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में आते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है ना सर, इसका बैकग्राउंड देखिए क्या है, इंडिया ने साइन किया था स्वालबार्ड ट्रीटी जो पेरिस में हुई थी, ठीक है। इस ट्रीटी से क्या हुआ था, हमने यह किया अलाउ फ्री एक्सेस टू द आर्टिक रीजन अलोंग विद कमिटमेंट ऑफ नॉट मिलिटराइजिंग इट। आप आर्टिक में जाइए, इस ट्रीटी के मेंबर जो भी हैं जब उन्होंने ट्रीटी साइन की थी तो उसमें ये कहा गया था कि आप जो है आर्टिक में जाइए आराम से, फ्री एक्सेस है, बट पॉइंट ये है कि उस एरिया को आप मिलिटराइज नहीं करेंगे, मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इंडिया ने अपना पहला साइंस एक्सपेडिशन आर्टिक में कब किया था सर, 2007 में किया था। 2008 में इंडिया ने क्या किया, एक रिसर्च बेस वहां पर स्टेब्लिश की, कहां उसका हम उससे हम कहते हैं हिमाद्री, ठीक है, जो कि सलवार्ड नॉर्वे के पास है, ठीक है। इसको मैं प्रोनाउंस अगर मैं अपने इसमें करूंगा तो नाए अली सुल्ट, नाए अली सुल्ट कहूंगा, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो, बट नाए अली सुल्ट, अली सुल्ट स्वालबार्ड नॉर्वे, ठीक है। इंडिया ने अपना जो पहला जो है रिसर्च बेस उसको हमने कहा था हिमाद्री, ठीक है। इन 2014 हमने क्या किया, हमने इंड आर्क, ठीक है, हमने डिप्लॉय किया इंड आर्क। ये क्या है, एक मल्टी सेंसरी ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, कॉन्ग्स जॉर्डन में। इन 2016 हमने, देखिए मैं समझ, अब मैं देखिए मेरी बात समझिए आप, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है आपके लिए, आप सिर्फ चार डेट याद रखिए। हमने 2007 में पहला एक्सपेडिशन किया, 2008 में हमने एक साइंटिफिक एक रिसर्च बेस हमने यहाँ एस्टेब्लिश किया, 2014 में भी हमने क्या किया, यहाँ पर एक मल्टी सेंसरी सेंसरी ऑब्जर्वेटरी हमने स्थापित की, और 2016 में हमने क्या किया सर, हमने एक और बेस जो है एटमोस्फेरिक लेबोरेटरी जो है यहाँ पर स्थापित की। कौन कौन सी जगह में की सर, एक तो नाए अली सुड में की थी हमने 16 में, ठीक है। 2014 में हमने कहा की थी, कॉन्ग्स जॉर्डन में की थी, ठीक है। इसके अलावा 2008 में हमने क्या किया था, हिमाद्री किया था, रिसर्च बेस किया था, और साथ में हमारा पहला जो है एक्सपेडिशन हुआ था। तो ये चारों जो है सर ट्रिविअल जीके में आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा यूपीएससी इन क्वेश्चनों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन सर यू नेवर नो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो आप एक बार इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ साल है सर जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पहला एक्सपेडिशन 2007, 2008 में हमने एक रिसर्च बेस्ड बेस वहां एस्टेब्लिश किया, 2014 में हमने वहां एक मल्टी सेंसरी ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित की किंग्स किंग्स जॉर्डन में, ठीक है, कॉन्ग्स जॉर्डन में। एंड देन हमने जो है 2014 में वहां एक एटमोस्फेरिक लेबोरेटरी स्थापित की नाए एलिसन, ठीक है, स्वालबार्ड नॉर्वे। चलिए ये तो हो गया, अब समझिए सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, हमें इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। हमें कुछ फायदा नहीं है सर, समझिए,
जिस रेट से हम आर्टिक को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, हिमालय ग्लेशियर से, समझ रहे हैं? समझिए, द आर्टिक रीजन रिसर्च विल हेल्प इंडियन साइंटिस्ट साइंटिस्ट स्टडी द मेल्टिंग रेट ऑफ थर्ड पोल, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय ग्लेशियर, समझ रहे हैं? हिमालय भी तो मेल्ट हो रहा है ना, तो आर्टिक की स्टडी करके एटलीस्ट जो एक थर्ड पोल हम कहते हैं हिमालय, हिमालयन को, हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि हिमालय जो मेल्टिंग रेट है उसकी किस हिसाब से मेल्टिंग रेट हो रही है। सिंस अगर हिमालय से आइस जो है मेल्ट हो गई, तो इंडिया जो है बहुत ही वल्नरेबल रहेगा सर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इंडिया का मैप है, अगर आप इसको जाएंगे तो ये सारा हिमालय ही तो है सर, ये सारा जो है इंडिया के मैप के नीचे पूरा हिमालय ही तो है, हिमालय तो बड़ा ही खतरा हो जाएगा सर, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक हिमालय, बहुत खतरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा क्या है ना सर, दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पेंडेमिक को लेकर, फ्यूचर पेंडेमिक्स को लेकर। कैसे सर? एक साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जो मेल्टिंग आइस है ना आर्टिक में, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, या आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, उसमें क्या होगा, जो नए पैथोजेंस है जो डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, जो उसमें ट्रैप्ड है ना, वो भी बाहर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, एक बड़ी परेशानी हो सकती है किसके लिए, हमारे फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं सर। इंडिया ने पहले तो एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम आर्टिक को एक्सप्लोर करेंगे और बड़े ही सस्टेनेबली यूज से करेंगे, जिससे कि जो हमारे भविष्य की जनरेशन है उनके लिए भी बचे। सर आर्टिक में आजकल ऐसा क्या है, मतलब आर्टिक में इतनी रिसोर्सेज है, ये देखिए आर्टिक में इतनी रिसोर्सेज है, आर्टिक में जो है इतनी रिसोर्सेज है कि वहां क्या है कि वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि वहां आइस रहती थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो है आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, वहां एक्सपेडिशन बढ़ रहा है, और अगर एक्सपेडिशन बढ़ रहा है तो वहां क्या हो रहा है सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं? अब समझिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है, इस आइस मेल्ट हो रही है, उससे क्या होगा सर, सी लेवल जो है राइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अभी क्या होगा, हमने आखिरी में पढ़ा था, दूसरा क्या होगा, जो कि पैथोजेंस है जो अभी तक उसमें ट्रैप थे वो बाहर आ जाएंगे, जिससे फ्यूचर पेंडेमिक्स की जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्टडी का हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है जो हम कर रहे हैं। पहला तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेल्टिंग रेट है हमारे थर्ड पोल का, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं हिमालयन ग्लेशियर, उसके मेल्टिंग रेट के बारे में हमें स्टडी कर पाएंगे। सेकेंड वही है, जो पैथोजन जो ट्रैप्ड है और जो बाहर आ जाएंगे, तो उससे फ्यूचर पेंडेमिक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो सर आपका हो गया इसके बैकग्राउंड, प्लस इंडिया ने जो ट्रीटी साइन की थी, स्वालबार्ड ट्रीटी साइन की थी कब, पेरिस में, जिसमें कि फ्री एक्सेस है आर्टिक में और उसको मिलिटराइज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला एक्सपेडिशन हमने 2007 में किया था, दूसरा हमने 2008 में किया, तीसरा 2014 में, और चौथा 2016 में, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल ट्रिविया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अब आते हैं हम न्यूज में सर, हमारी न्यूज क्या है सर, हमारी न्यूज कुछ नहीं है, इंडिया ने जो है ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कमिट टू एक्सपेंडिंग साइंटिफिक रिसर्च सस्टेनेबल टूरिज्म, समझ रहे, साइंटिफिक रिसर्च होगी वहां पर, सस्टेनेबल टूरिज्म ऐसा टूरिज्म होना चाहिए जिससे कि भविष्य की जनरेशन को कोई खतरा ना आए, एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द आर्टिक रीजन, हम जो है मिनरल ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। चलिए समझ गए सर, 26 जनवरी तक जो है इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है इस ड्राफ्ट को, वहां से जो है फीडबैक लेने के लिए, ठीक है। और इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि गोवा बेस्ड की रिसर्च है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च जो है वो इसकी इसमें जो है नोडल बॉडी की तरह काम करेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे इस न्यूज को ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तीन चार पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए सर, इंडिया का जो है उसमें जो है एक्सपेडिशन का पूरा एक टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2007 में हमने पहला किया, फिर 2000 आप बताइए, फिर 2014 में, और फिर 2016 में, ये कब किया था सर हमने, 2007 में, देन 2008 में, देखिए कब किया था, 2008 में किया था, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे आपको याद होना चाहिए, पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो इंडिया का एक्सपेडिशन हो गया, ठीक है। कौन सी ट्रीटी हमने साइन की है सर, सारवार ट्रीटी हमने साइन की है कहाँ, पेरिस में, ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्री एक्सेस है, ठीक है, ये भी हो गया सर। इससे हमें सिग्निफिकेंट आर्टिक पर जो हम ये रिसर्च कर रहे हैं, इससे सिग्निफिकेंस क्या है, जो थर्ड पोल जो है हमारा हिमालयाज, उसको जानने में हमारा फायदा होगा कि वो मेल्ट के हिसाब से हो रहा है। सेकेंड क्या होगा सर, जो पैथोजेंस है वो सब बाहर आ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जो ट्रैप थे अभी बर्फ में पिघलने से सब बाहर आ जाएंगे, उससे क्या होगा, पेंडेमिक की चांसेस बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये सब जो है इस न्यूज में था,
और इसका जो है पूरा बैकग्राउंड आपको आना चाहिए सर। ये इन शॉर्ट एक ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो ड्राफ्ट है सर अभी, तो ड्राफ्ट तो ऐसे मान लेता इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी ये देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया है 5 पिलर्स, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ही ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये पिलर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं। तो कभी भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर, इंडिया की हिस्ट्री और जो है आर्टिक की जो एक क्वेश्चन अगर मेंस का बना सकते हैं सर, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिक की जो बर्फ है जो आइस में पिघल रही है उससे वर्ल्ड में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और एक रीसेंट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर, देखिए कुछ मेरे शब्द यहाँ पर ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो न्यूज मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, फिर भी मुझे हल्का सा याद आ रहा है सर, जो एक लार्सन सी है आपका नीचे अंटार्कटिका के पास, लार्सन सी में सर क्या था ना कि वहां पर एक आइसबर्ग था, वहां पर एक आइसबर्ग था, एक आइसबर्ग जो है मेल्ट हुआ, मतलब आइसबर्ग क्या हुआ अपने जो मेन ग्लेशियर से जो है डिटैच हुआ और पानी में फ्लोट कर रहा था। पर पानी में फ्लोट करते करते क्या हुआ सर, वो साउथ जॉर्जिया के पास जाके टकराने वाला था, ठीक है। मैंने न्यूज को फॉलो नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, ठीक है। और अगर वो साउथ जॉर्जिया से टकराता तो वहां पर जो पेंगुइन्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी उसको खासा नुकसान होता, तो एज इन लाइक इससे जो है बायोडाइवर्सिटी में भी दिक्कत आ रही है, समझ रहे। और अगर ये मेल्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारे लिए, तो हमें तभी जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारे हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिस अकॉर्ड 2015, ठीक है। चलिए सर, पहली न्यूज हमारे ख्याल से हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरी न्यूज सर, सीबीआई बुक्स कैम्ब्रिज एनालिटिका फिल्म इन डेटा थेफ्ट केस, ठीक है। देखिए सर यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये आप खुद पढ़िएगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए वो बताऊंगा आपको सर। ये केस ना अभी का नहीं है, समझिए ये केस जो है ये अभी का नहीं है। अगर मैं ट्रेस करूं तो 2014 से ये केस चल रहा है यूएसए में, ठीक है। इस पे आरोप था कि जो ट्रम्प के इलेक्शन था 2017 में उसको इसने जो किया है मोटिवेट किया है, ठीक है। और इसपे जो है इसका कंट्रोवर्सी थी, कैसे थी इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। हुआ क्या, इसे फेसबुक है, ठीक है सर। देखिए फेसबुक है, ठीक है। मान लीजिए हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम जो है फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सर फेसबुक के अंदर ना अगर हम कुछ भी ऐप चलाएंगे, फेसबुक के अंदर मानिए, फेसबुक के अंदर कह रहा हूं मैं, फेसबुक के अंदर अगर हम कुछ भी ऐप चलाएंगे या गेम खेलेंगे तो वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं आपका डेटा, मतलब कैन आई हैव एक्सेस टू ऑल योर फोटोज, ठीक है, या ऑल योर अकाउंट्स। तो हम जनरली क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो ये कंपनी है या जो ये ऐड दे रही है, ये क्या करती है, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है उसे एक्सेस कर देती है, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है उसे क्या कर देती है, एक्सेस कर देती है। और फिर क्या होता है, इसके पास हमारा पूरा का पूरा डेटा चले जाता है, और देन इस डेटा से क्या करते हैं, ये हमारा एक पूरा डेटा बेस बना लेते हैं, इससे क्या करते हैं, हमारा पूरा एक डेटा बेस बना लेते हैं, समझ रहे हैं। इससे ये हमारा पूरा डेटा बेस बना लेते हैं, और फिर उससे क्या होता है, इनको सब पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक पे क्या पोस्ट डालता हूँ, मेरे क्या पोस्ट है फेसबुक में, ठीक है, मेरी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, ठीक है, मैं जो है मेरी थिंकिंग किस टाइप की है, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, ठीक है, इन सब का यूज करके क्या क्या हो रहा है आगे जाके, ये जो है अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, समझिए। मैं अब ये यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा डेटा मेरा चुरा लिया, अब ये मेरे पोस्ट देख रहे हैं, मेरे लाइक डिसलाइक देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉर एग्जाम्पल एक एक्स कैंडिडेट है तो ये उसकी रैली के बारे में ही मुझे नॉलेज देंगे, कहाँ पर, मेरे फेसबुक, समझ रहे हैं, या उसी के मुझे ऐड दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये मेरा माइंड जो है उसे वॉश कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे सर एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब मैं इस आर्टिकल में आता हूँ सर, मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये आर्टिकल, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। आर्टिकल में क्या है, सीबीआई ने जो है उसने बुक किया है कैम्ब्रिज एनालिटिका यूके को, ठीक है, लिमिटेड एंड ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड फॉर एलिस्ट इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ अबाउट 5.2 लाख इंडियन यूजर्स ऑन फेसबुक थ्रू एन एप्लीकेशन, समझे। ये लाइन आपको समझ में आई सर, ऐसे हार्ट हार्ड इंग्लिश तो नहीं थी, ये इजी थी,
और एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, सीबीआई फाउंडेड दैट मिस्टर कोरगन फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जीएसआरएल हैज क्रिएटेड एन एप्लीकेशन दैट वाज नेम्ड दिस इज योर डिजिटल लाइफ। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। देखिए पहले तो जो ये कंपनी थी, ठीक है, पहले जो कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है, तो सीए बोलेंगे सर इसे हम, जो सीए कंपनी थी इसने ऐसे करके जो हमारा जो डेटा है वो लिख लिया। सेकंड क्या हुआ ना, सेकंड क्या किया इन्होंने, सेकंड की कहानी ये थी, डॉक्टर कोगन, इन्होंने डॉक्टर कोगन को जो है, इन्होंने डॉक्टर कोगन को जो किया, इन्होंने उनसे कहा कि आप एक ऐप बनाइए, ठीक है, आप एक ऐप बनाइए जिससे कि हम जो है डेटा लोगों का ले पाए, समझ रहे हैं, आप एक ऐप बनाइए जिससे कि हम डेटा आपको ले पाए। और ये ऐप आपने सब पूरी सुनी होगी, इसका नाम है दिस इज योर डिजिटल लाइफ, दिस इज योर डिजिटल लाइफ। कुछ नहीं होता है सर, सर्वे करवाते थे और सर्वे के थ्रू जो है आप पैसे पे करते थे और हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो ले लेते ले। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस इज योर डिजिटल लाइफ, एक मिनट दीजिएगा, दिस इज योर डिजिटल लाइफ, समझ है सर, ये पूरी कहानी है बेसिकली, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है यूएस को लेकर है, ठीक है। तो आई गेस उस स्टोरी में अगर मैं आपको बताऊंगा तो इट विल टेक अस सम टाइम टू नो टू द एंटायर थिंग ऑफ दैट स्टोरी, तो वो स्टोरी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार आप गूगल से पढ़िएगा इसके बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सीबीआई ने बुक किया है सीए को, कैम्ब्रिज एनालिटिका को, और जो है जीएसआरएल को कहा है कि आपने जो है फेसबुक से हमारे लोगों का डेटा जो है चुराया है। चुराया कैसे है सर, दो डिफरेंट तरीके थे। पहला तो सर ये है, इन्होंने क्या किया, हमने फेसबुक में ही कोई गेम वेम खेला तो हमने उसको ओके कर दिया कि हमारा डेटा जो है इनके पास आ गया। सेकंड क्या है, इन्होंने एक ऐप बनाई है सर, दिस इज योर डिजिटल लाइफ, दिस इज योर डिजिटल लाइफ, दिस इज योर डिजिटल लाइफ। उसमें क्या किया, इन्होंने सर्वे करवाए थे और सर्वे के थ्रू क्या किया, हमारा डेटा ले लिया। अब समझिए सर, आज के दिन जो डेटा है वो एक तरह से गोल्ड है, आज के दिन जो डेटा है, आज के दिन जो डेटा हमारे पास है वो एज सच गोल्ड है। इससे हम सर बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इससे हम एक इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे हम एक इलेक्शन को जो है सर मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से। हमारे पास डेटा है, लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, कैसे कैसे कमेंट डाल रहे हैं, कैसे कैसे पोस्ट डाल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, उसी के थ्रू हम उसका जो है ब्रेन वॉश करेंगे, हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं। डेटा से क्या होता है इंपॉर्टेंट, मोनिटाइज यूज के काम आ सकता है, ठीक है। डेटा जो हमारा फ्यूचर है वो पूरा का पूरा डेटा में है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और मशीन लर्निंग, ये सब डेटा ही तो है सर, और क्या है, डेटा से ही चल रहा है सब कुछ। तो समझिए डेटा का बहुत बड़ा रोल है हमारे वहां, ठीक है। तो एक बार इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ लेते हैं, देन इस न्यूज को हम समाप्त करते हैं। द एफआईआर नेम्स ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड जीएसआरएल रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एलेक्जेंडर कोगन एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एलेक्जेंडर निक्स, ठीक है, एज एक्यूज। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी सर, मैथी ने कहा अर्लियर डिटेल्स फ्रॉम फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका अबाउट द एलिज वॉल्यूशन द लीक ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन यूजर्स एंड देयर पॉसिबल मिसयूज बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका फॉर प्रॉफिटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन इन इंडिया। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हमारा डेटा इन्होंने ले लिया और उससे क्या किया है, उससे अल्टीमेटली इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है सर। क्यों, मेरी मेरी लाइक्स, मेरी डिसलाइक्स, मेरे पोस्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, ये सब कुछ जो उनके पास है। तो वो इससे क्या है, मुझे ऐसे एड्स दिखाएंगे जो कि बेसिकली जो है जो फेवरिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज को लेकर मुझे एड दिखाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा सर, मेरा ब्रेन वॉश होगा। मुझे याद है सर, मैंने एक नॉवल पढ़ा था बहुत पहले, द सीक्रेट, उसमें क्या था ना सर, उसमें ये था कि अगर मैं कहता हूं मुझे ये नहीं करना और वो बार बार मैं कहता हूं मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना, तो यकीन मानिए सर वो सबसे पहले करूंगा, समझ रहे, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ मुझे नहीं करना है तो ये है क्या, देखते नहीं, समझ रहे। तो यही एक तरह से वो ब्रेन वॉश कर रहा है हमारा, ठीक है। अराउंड 5.62 लाख इंडियन यूजर का डेटा जो है वो इलीगली हार्वेस्ट हो रहा है सर, ठीक है, इलीगली हार्वेस्ट हो चुका है सर, समझ रहे।
अब देखिए, एज पर द फेसबुक प्लेटफॉर्म पॉलिसी, द ऐप वॉज ऑथराइज टू कलेक्ट सर्टेन स्पेसिफिक डेटा ऑफ यूजर्स फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पसेस। इट हाउएवर इलीगली कलेक्टेड अनऑथराइज डेटा ऑफ यूजर्स एज वेल एज फ्रेंड्स नेटवर्क ऑन फेसबुक एज एलिस्ट इन द एफआईआर। समझिए, जो ऐप थी बेसिकली, जो फेसबुक की पॉलिसी कहती है, जो ये ऐप है, ये ऐप जो डेटा है हमारे लिए, एक सेकेंड रुकिएगा, जो ये ऐप की ऐप है जीएसआरएल की, ठीक है, या सीए की, ये बेसिकली डेटा यूज करेगी किस लिए, रिसर्च पर्पज के लिए। बट वो क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा डेटा निकाल ले रहे हैं फेसबुक से। डेटा से सर क्या होगा, डेटा से ये होगा सर कि मेरे पोस्ट, मेरे लाइक डिसलाइक, मेरी थिंकिंग, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे थॉट्स सब उनके पास विजिबल है। मेरे नहीं, मेरे फ्रेंड्स को भी वो ट्रेस कर सकते हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को। समझ रहे हैं कितना बड़ा नेटवर्क बन के आ रहा है सामने। और ये इससे क्या करेंगे, इलेक्शन को जो है मैनिपुलेट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग राइट टू प्राइवेसी का कोई कानून नहीं है। बिल है, ड्राफ्ट है कह सकते हैं, बिल है, अभी भी पड़ा हुआ है, पास नहीं हुआ है। और यही वॉयलेशन अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में भी आया था। और व्हाट्सएप चाहे या ना चाहे, वो यूरोप में कुछ नहीं कर सकता, वहां के जो उनकी चैट, वहां का जो है, वहां के लोगों के प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी लॉ है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको पिनल एक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। किसको, व्हाट्सएप को, जो अभी 2 दिन पहले की न्यूज आई थी। वेर इन इंडिया में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है, तो अगर इंडिया में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है तो सर नॉर्मल सी बात है, डेटा का ब्रीच तो होना ही होना है सर, ठीक है। चलिए सर, ये भी एक न्यूज है, ट्रंप साहब तो चले गए, लेकिन इनका इम्पीचमेंट जो है आज सीनेट में जाएगा, और मंडे को जाएगा सीनेट में। अब ये सर इम्पीचमेंट क्यों हो रहा है जबकि चले चुके हैं? इनका इम्पीचमेंट इसलिए हो रहा है कि अगर ये इम्पीच हो गए तो ये दोबारा सेकेंड राउंड में खड़े नहीं हो पाए, ठीक है। तो अभी इम्पीचमेंट इनका सेनेट में जाएगा। अभी क्या है सर, इम्पीचमेंट होता कैसे देख लेते हैं सर। हाउस पैनल बनते हैं, 6 हाउस कमिटीज होती हैं, आर प्रोबिंग चार्जेस अगेंस्ट ट्रंप, ठीक है। और वो अपना जो है वो अपने चार्जेस करेंगे, और अगर कमिटीज को इविडेंस मिला कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है तो वो ऑफिस में रहेंगे, और अगर सफिशियंट इविडेंस मिल गया ऑफ रॉन्ग डूइंग तो क्या होगा, हाउस में जाएगा, ठीक है, लोअर हाउस में। लोअर हाउस में क्या होगा, अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वोट इन द फेवर ऑफ इम्पीचमेंट, देन ट्रंप जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो इम्पीच हो जाएगा। और अगर लेस देन अ मेजोरिटी वोट्स फॉर इम्पीचमेंट तो इम्पीच नहीं होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट होता है देन वो जाएगा सीनेट में। सीनेट में क्या होगा सर, सीनेट में ट्रायल के बाद क्या होगा, उसमें 2/3 मेंबर अगर वोट करते हैं टू कन्विक्ट, देन प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा सर। ये एक प्रेसिडेंट को रिमूव करने की यूएस में एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी चीज को मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं सर। पहले देखिए ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या है, ट्रेजन है, ब्राइबरी है और अदर क्राइम्स एंड, ठीक है। चलिए अब होता क्या है ना, इट बिगिंस विद एन इन्वेस्टिगेशन बाय अ हाउस कमिटी, जो हमने कहा, एंड इफ दे फाइंड देयर इज इनफ एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग इट विल रिफर द मैटर टू फुल हाउस। देखिए यहां पर है, इन्होंने क्या किया, सफिशियंट एविडेंस मिला तो उन्होंने हाउस को रिफर कर दिया। ये देखिए उन्होंने हाउस को रिफर कर दिया, तो अभी हम यहां पर आ गए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आ गए हैं, अब क्या है, यहां पर आ गए हैं तो क्या हुआ है, हाउस वोट करेगा। When the House full House vote, if one or more of the articles of impeachment get a majority vote, एक या उससे ज्यादा आर्टिकल जो कि इम्पीचमेंट में है उसे मेजोरिटी वोट मिलता है, देन क्या होगा, प्रेसिडेंट इज इम्पीच एंड प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगी, सेनेट में चली जाएगी। जैसा कि हमने, एक मिनट दीजिएगा सर, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है। चलिए फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, सीनेट में ट्रायल होगा। सीनेट में ट्रायल होता है, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओवरसी करते हैं ऊपर से, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, अल्टीमेटली इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द सेनेटर्स प्रेजेंट फाइंड द प्रेसिडेंट गिल्टी देन ही इज रिमूव्ड एंड द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर एज प्रेसिडेंट। इजी है सर, इतना कुछ है नहीं हमारे मतलब का, बस वहां होता कहते हैं, वो चार्ट आप एक बार ये चार्ट पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसमें आते हैं सर, कोवैक्सीन एफिकेसी अगेंस्ट यूके स्ट्रेन नॉट प्रूवन येट, ठीक है। ये सर रिपोर्ट आई है, लैंसेट में एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है जो कोवैक्सीन जो है हमारा, जिसको लेके हमारे में भी थोड़ी सी एक हेसिटेंसी है, ठीक है, उसकी जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स है, फेज 1 तो हमने कर लिया है, फेज 2 हो गया है लेकिन रिजल्ट्स के लिए अवेटेड है, इसका भी ट्रायल चल रहा है।
लेकिन एटलीस्ट हमारे पास कोई ना कोई आइडिया तो है ना कोवैक्सीन को लेके, कोवैक्सीन कितनी कारगर है कोविड के लिए। लेकिन जो दूसरा आपका वायरस है, जो दूसरा आपका वायरस है जो कि स्ट्रेन है कोविड का, जिसे हम कहते हैं B.1.1.7, ठीक है, SARS-CoV-2, या के प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो वायरस का स्ट्रेन है, इसकी एफिकेसी इसके अगेंस्ट अभी प्रूव नहीं की गई है, ये लैंसेट ने बताया है, ठीक है। B.1.1.7 SARS-CoV-2, ये नाम है कोविड का जो स्ट्रेन है जो कि यूके में आया है, ठीक है। अब सर मैं आपको तो कुछ बताना चाहूंगा, ये एक सिर्फ डिप्लोमेसी है, ठीक है। कैसे है सर? सिनोवैक चाइना की दवाई है, ये कितना परसेंट एफिकेसी है इसकी? 59-60%। लेकिन क्योंकि वहां कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट सरकार है तो वॉइस जो है दब जाती है, ठीक है। इससे देखिए कितना फायदा हो रहा है, इससे फायदा ऐसे हो रहा है सर, इंडिया में क्या है ना, इंडिया में हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी दवाइयों का। अब अगर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों को ये लगेगा कि हम खुद को भरोसा नहीं है इंडियंस को आपकी दवाई पे, तो हम क्यों भरोसा करें इनकी दवाई में? जैसे हमें कोवैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं या गलतफहमी है, या कह सकते हैं जो कोवैक्सीन को लेकर हमारे मन में एक आपत्ति है, और इस आपत्ति है कि ये कारगर है या नहीं है, कहीं इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन समझिए, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोवैक्सीन को, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कोवैक्सीन को तो, और कोविशील्ड को, तो क्या है ना सर, देखिए ये डिप्लोमेसी है। अब इससे क्या होगा, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो बाहर की कंट्री है वो कहेगी, यार जब तुम्हारे खुद के लोग नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन, और उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, खुद को भरोसा नहीं है तुम्हारी वैक्सीन पे, तो हम लोग आपकी वैक्सीन क्यों लें? इससे क्या होगा सर, हमारा जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट है वो डाउन हो जाएगा। अगर हमारा वैक्सीन का एक्सपोर्ट डाउन होगा एशिया में, तो हमारी मार्केट को कौन कैप्चर करेगा? चाइना करेगा। चाइना कौन करेगा? सिनोवैक करेगा। और वहां पर वो भी, उसकी एफिकेसी जो है और भी कम है, 59-60% है। भले उसकी एफिकेसी उसे पता है लेकिन कितनी कम है, 59-60% है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार है, और अगर कांग्रेस सरकार है तो वहां वॉइस को उठने देती नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस सरकार का फायदा भी हो रहा है सर, क्योंकि इससे क्या होगा, चाइना जो है अपनी वैक्सीन को साउथ एशिया में बांट पाएगा। तो इसलिए सर हमें जो है एज सच बिना उसमें डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हमें सरकार की जो पॉलिसी थी उसमें थोड़ा फ्लस करना पड़ेगा। अगर सरकार कह रही है कि ये वैक्सीन सेफ है कोवैक्सीन, तो हमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये अपने मन से नहीं कह रही है सर। सरकार ने हर एक स्टेक होल्डर से प्रॉपर डिस्कशन किया है, और जिसके थ्रू ये वैक्सीन हमारी जो अप्रूव हुई है ना DGCI, ठीक है, तो डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया वैक्सीन को फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट एक्सपर्ट कमिटी है। ये सब मेंबर जो है सर, ये हाईली एक्सपीरियंस है, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दी मेडिकल फील्ड, राइट। सो हम उनकी एबिलिटी में डाउट नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। तो एज सच हमें कोवैक्सीन को भरोसा करना चाहिए इसमें, एंड हमें इसकी वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो बाहर की कंट्रीज है उनको भी एक सेकेंड थॉट ना आए हमारी वैक्सीन को लेकर, ठीक है। तो ये नॉर्मल से डिप्लोमेसी की जो मैं बताया मैंने आपको कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और न्यूज किसके बारे में थी? न्यूज ये थी कि जो कोवैक्सीन है उसका जो है SARS-CoV-2 के लिए उसकी एफिकेसी प्रूवन नहीं हुई है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसका जो फेज टू और फेज थ्री ट्रायल है वो हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये एक छोटी सी न्यूज है सर, ऐसा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। चाइना ने लैश की, मतलब चाइना चिल्लाया है EU पे कि हमारे इसमें इंटरफेरेंस मत कीजिए। इंटरफेरेंस क्यों? EU ने क्या किया है, जो हांगकांग के एक्टिविस्ट थे, EU ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है, पास रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर टारगेट सेंक्शंस अगेंस्ट चाइनीज एंड हांगकांग ऑफिशियल हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेंट अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो एक सर हांगकांग है और चाइना है, ठीक है, ये बात कर रहा है हांगकांग की। चाइना ने यहाँ पर एक चाइना ने चाइना कहता है हांगकांग जो है पार्ट है मेनलैंड ऑफ चाइना, ठीक है। और क्या होता है कि सर पहले ये क्या थी, वन कंट्री था टू गवर्नमेंट्स चल रहा था, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है सर, ये एक एंटी सिक्योरिटी लॉ लाए हैं चाइना वाले, एंटी सिक्योरिटी लॉ। इस लॉ में सर क्या था, इस लॉ में ये था कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो जो उस पर ट्रायल चलेगा वो हांगकांग में नहीं चलेगा, वो कहाँ चलेगा ट्रायल,
वो चले गया कहाँ, मेनलैंड चाइना में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ था, इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चले वहां, बहुत 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 टाइम तक चले थे। इसमें क्या था, अगर कोई भी कन्विक्ट है जो कि आपका सरकार के खिलाफ बोलता है या कुछ भी करता है, कोई कन्विक्ट है, तो उसका जो ट्रायल होगा वो हांगकांग में नहीं होगा, पैदा कहाँ होगा, चाइना में होगा। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे, और फिर चाइना ने क्या किया, सारे जो प्रोटेस्टर को क्या किया, सप्रेस किया है, उन्हें सप्रेस किया है। ठीक है, सप्रेस किया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है सर, इसके अलावा जो हांगकांग की डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेसी को जो के बारे में बात कर रहे थे, सबको जो है सप्रेस किया गया। तो चाइना ने, जो ईयू की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है, बोला है कि चाइना ने जो है यहाँ पर क्रैकडाउन किया है, हांगकांग में जितने भी डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे सबको सप्रेस किया है या बहुतों को मार भी दिया है, समझ रहे हैं। तो ये बात कर रहे थे चाइना के में टारगेटेड सेंक्शन के लिए। चाइना ने इसको विरोध करते हुए ये कहा है, अर्ज ईयू लॉ मेकर्स टू फेस अप टू द रियलिटी दैट हांगकांग हैज रिटर्न टू चाइना। इन्होंने वही कहा है कि एक रियलिटी मान लो कि हांगकांग जो है वो चाइना को रिटर्न हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं था। और फॉलोइंग क्या था कि बीजिंग ने इम्पोज किया था एक ड्रैकोनियन नेशनल सिक्योरिटी लॉ दैट इफेक्टिवली क्रिमिनलाइज्ड मच डिसेंट एनर्जी। समझ रहे, कोई भी डिसेंट होता है, कोई भी नहीं मानता है बात, तो उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे, और उसका ट्रायल कहाँ होगा, मेनलैंड चाइना में होगा, समझ गए। चलिए, ये कुछ खास न्यूज नहीं है सर, ये मतलब एक वर्ड की न्यूज है, मैंने देखा तो मैंने डाल दिया। ये कुछ नहीं है सर, बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, और जैसे आप जानते हैं कि बंगाल में लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर सर, बंगाल में बेसिकली अभी कांटे की टक्कर है, क्योंकि वन बाय वन जितने भी आपके टीएमसी के जो लीडर्स है वो रिजाइन कर रहे हैं। कल ही आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है उन्होंने रिजाइन किया है। तो ये इलेक्शन जो है वेस्ट बंगाल के बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो वी नीड टू वॉच फॉर इट। ठीक है, और अभी जो है जो आपके स्टेट बीजेपी यूनिट थे वो आपके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जो है सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, कल की बात थी। और अभी जो है एक वॉलंटियर फोर्सेस जो होती है ना, जो कि नॉर्मल फोर्सेस जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हायर करते हैं, तो उनको जो है बंगाल की वोटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब बंगाल की जो पोल की सिक्योरिटी होती है पोल्स में, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये आरोप लगता हुआ आया है सर टीएमसी पे कि वो जो है फर्जी वोट डलवाती है, लोगों को वोट डालने नहीं देती है। ये सिर्फ बातें हैं सर, इट हैज नेवर बीन प्रूव, राइट। तो ये न्यूज स्ट्रिक्टली यूपीएससी के मतलब से नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने डाल दी। मैं फिर कह रहा हूँ, नॉट फॉर यूपीएससी पर्पस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, एक न्यूज देख लेते हैं। पेंडेमिक पुशेस स्टेट बोरोइंग बाय 8.5%। हाँ सर, ये तो नॉर्मल ही था, एज सच इसमें कोई कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर देखिए पेंडेमिक था। ठीक है, इससे क्या हुआ सर, स्टेट की जो इनकम है वो कम हो गई, कम हो गई, टैक्स भी नहीं आया, टैक्स भी नहीं आया। ठीक है, ऊपर से जीएसटी जो है वो कम हो गया, और जीएसटी कंपनसेशन जो मिलना था वो भी कम मिला, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट के पास पैसा नहीं था, फिर स्टेट ने क्या किया, बोरो किया। अब अगर स्टेट बोरो करेगा तो उससे क्या होगा, उसका फिजिकल डेफिसिट जो है बढ़ेगा, समझ रहे हैं। और स्टेट बोरो किया, उसका फिजिकल डेफिसिट जो है स्टेट का बढ़ गया, उधारी जो है उसकी बढ़ गई। और सर किसी महान, एक महान इकोनॉमिस्ट ने कहा था, उनका नाम था कीन्स, उन्होंने कहा था कि जब भी मंदी आए ना, सरकार को खजाने खोल देने चाहिए। ठीक है, कीन्स ने कहा था कि जब भी मंदी आती है सरकार को जो है अपने खजाने जो है खोल देने चाहिए, मतलब पैसा जो है दोनों हाथ से बहाना चाहिए। और देखिए वही किया है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ गया है, बट आई गेस ये मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा। बड़ी बात ये थी कि हम इकोनॉमी से, हमारी जो इकोनॉमी है वो इस पोस्ट पेंडेमिक टाइम पे जो है रिकवर करे, और ये धीरे धीरे रिकवरी के पाथ में भी है। बहुत लोगों ने बहुत प्रेडिक्शन किए, कोई कहता था के शेप रिकवरी है, कोई कह रहा था वी शेप है, कोई कह रहा था एल शेप है, लेकिन अभी जो जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं वी शेप रिकवरी। बाकी हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे रिकवरी कैसी। ठीक है,
ये देखिए सर, राइट टू फ्री स्पीच पे एक और इम्पोर्टेंट लॉ, मतलब ऐसी सिचुएशन में जब एक इंस्टीट्यूशंस को या स्टेट्स को पीपल के वेलफेयर में काम करना चाहिए पोस्ट पेंडेमिक में, कैसे कैसे जो है इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे हम स्टेट की, इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं सरकार जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ लाती है सर। वहीं हमारी यूपी गवर्नमेंट अभी एक आप कह सकते हैं कि एंटी जो मैरिज बिल लाए थे, इंटर का जो इंटर मैरिज करते हैं, इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस पास कराया किसने, यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समझ रहे हैं ना। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आ रहा है, ऑफेंसिव पोस्ट अगेंस्ट बिहार मिनिस्टर्स में लैंड यू इन जेल, इफ इन केस आप कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ जो बिहार में है, जो बिहार के हैं, तो उससे आपको जेल भी हो सकती है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो ये चीफ सेक्रेटरी लेवल से ये बात आई है, क्योंकि आपके आईएएस अधिकारी होते हैं सीनियर, तो समझिए सर ये सब डिसीजन और ये न्यूज हमारे लिए कोई काम की नहीं है सर। और हाँ, कहीं ना कहीं काम की इसलिए है कि हम इसमें कह सकते हैं कि राइट टू फ्री स्पीच का हमारा हनन हो रहा है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन, हमारे एक्सप्रेशन के हनन हो रहा है सर। मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार गलत करेगी तो हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्या सर? तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई फिर तो सर। अगर हमारा क्रिटिसाइज करने का हक खत्म हो रहा है तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई सर। और ये ऐसा नहीं है सर, धीरे धीरे हर स्टेट में ऐसे लॉ आ रहे हैं और स्टेट जो है इसके खिलाफ काम भी कर रहा है सर। इससे अच्छा अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे मुद्दों को देखें जिसमें कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितनी रिपोर्ट्स आ गई हमारे पास कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं स्कूल से, वो वापस स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, एक डर सा माहौल उनके उनके मन में बना हुआ है। डिजिटल एजुकेशन का फायदा जो है गांव के लोग नहीं उठा पा रहे हैं, वो सब छोड़ के सरकार यहाँ पर ऐसे बिल ला रही है कि ऑफेंसिव पोस्ट अगेंस्ट बिहार मिनिस्टर्स में लैंड यू इन जेल, प्रीटी इंप्रेसिव, ठीक है। चलिए एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, यह है कि अगर आप कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट या अगेंस्ट पोस्ट किसी बिहार मिनिस्टर के खिलाफ करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है। ठीक है, एक ये भी टॉपिक था जो बहुत दिनों से मैं सोचा था कि आपको बताऊंगा या न्यूज में आना चाहिए। आफ्टर ऑल किसी ने एक्चुअली एक टॉपिक टॉपिक जो है न्यूज में डाला हुआ है, ये प्री के टॉपिक नहीं है सर, ये मेंस में कभी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट फेक न्यूज एंड फेक स्पीच, मतलब दो चीजें हैं सर, एक है फेक न्यूज और फेक न्यूज से होने वाली हेट स्पीच। इसका मतलब इंडिया में ऐसा मतलब कह सकते हैं कि इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही है, इंडिया में कुछ ज्यादा ही है, समझते हैं सर। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोई भी पोलराइज बात नहीं करूंगा सर, कोई भी बायस 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 बायसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो कि होना चाहिए, आप खुद समझिए सर, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहले रिपोर्ट जो है बेबाक कलेक्टिव है, एक एसोसिएशन है एक्टिविस्ट की जो कि राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमन के बारे में बात करती है और कम्युनिटी के बारे में बात करती है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा ये है, ठीक है, जब कोविड-19 था उस टाइम क्या हुआ कि हमने आइडेंटिफिकेशन किया तबलीगी जमात कॉन्फ्रेंस का जो कि दिल्ली में हो रही थी, कब, मार्च 2020 में, और एज अ कोविड हॉटस्पॉट हमने उसको किया, एंड ये बेसिस बना किसके लिए, कम्युनलाइजेशन ऑफ द पेंडेमिक। अब समझिए सर, जो ये तबलीगी जमात को हमने जो है जो तबलीगी जमात थी, ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया, वहां से क्या हुआ, हमने कहा भाई इनकी वजह से, स्पेशली हमने कहा मुस्लिम की वजह से कोविड फैल रहा है, ठीक है, कोविड स्प्रेड हो रहा है, और वहां से क्या हुआ सर, एक वेव ऑफ कम्युनिज्म चलनी शुरू हो गई और कह सकते हैं एक तरह से हेटेड हेट स्पीच शुरू हो गई, ठीक है। मतलब हम लोग ये हो गए, हमने सोचा कि अगर ये उस कम्युनिटी का है तो कहीं ना कहीं गलती करना है, समझ रहे, ये सर एक फेक न्यूज है। फिर अलग अलग फेक फेक न्यूज जो है टीवी में आने लग गई कि एक चाचा है, या चाचा इन शॉर्ट, या कोई मुस्लिम कोई मुस्लिम है जो कि ठेले में जो है सब्जी बेच रहा है और बेचने से पहले वो थूक रहा है, समझ रहे सर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज है और ये हेट स्पीच को बढ़ाती है। आप लोग एजुकेटेड लोग हैं सर, आप लोगों को इन फेक न्यूज पे ध्यान नहीं देना है, समझिए। अब ये ऑथर क्या कह रही है, ऑथर क्या कह रही है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, दिस वॉज फॉलोड बाय फेक न्यूज, ये जो तबलीगी जमात का इंसिडेंट था ये फॉलो किससे हुआ है, फेक न्यूज से, एंड कॉमनली कोडेड न्यूज कवरेज, राइफ इमेजेस एंड आइडियाज
दैट मुस्लिम इंटेंशनली स्प्रेड द वायरस। बिल्कुल सर, तबलीगी जमात की कांग्रेस को जो हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एक कम्युनिज्म की जो है वेव आ गई, हेट स्पीच शुरू हो गया, फेक न्यूज शुरू हो गई, और ये मतलब ये हमारे माइंड में ऐसे फिट कर दिया गया कि मुस्लिम्स जो है इंटेंशनली वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं। और यकीन मानिए सर, हर एक टीवी चैनल में ये न्यूज थी कि मुस्लिम जो है इंटेंशनली इसको स्प्रेड कर रहे हैं। ऑल ओवर डिबेट चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, और सिंपल सा क्या था कि मुस्लिम इसको स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन रियल में सर ये नहीं था, ये सिर्फ एक फेक न्यूज थी और एक हेट स्पीच थी। अब कुछ लोगों के चक्कर में वी कैन नॉट ब्लेम द एंटायर कम्युनिटी। आप समझिए सर, हम अपनी बात करते हैं सर, हम अपनी बात करते हैं। पालघर में इंसिडेंट हुआ सर, पालघर में इंसिडेंट हुआ सर, एक अराउंड कह सकते हैं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट हिज एज, ही वॉज अराउंड 79 to 80 साल के वो थे, जिनको जो है गांव वालों ने जो है एज एन लाइक बच्चा जो उठाते हैं वो चोर समझ के उनको मार के चांद से मार, मतलब मॉब लिंच। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा कोई फेक न्यूज नहीं फैली, क्योंकि वो कम्युनिटी अलग थी जिन्होंने उसको मारा, इसलिए नहीं फैली वो फेक न्यूज। ये एक्चुअली में क्या था सर, आई होप जो मैं कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं सर, ठीक है, समझिए। ये फेक न्यूज को हमने हटाना होगा और हमने कुछ लॉज ऐसे पास करने हैं जिससे कि इस फेक न्यूज को हम पहचान पाए। और भविष्य में, और मैं अगर अच्छी बात करूं तो कुछ मशीन हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ऐसी मशीन हम बिल्डअप करने की सोच रहे हैं जो कि इस फेक न्यूज को क्या कर सके, देख सके कि ये फेक न्यूज है। और वो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये इस फेक न्यूज को बढ़ने से रोके। और अगर फेक न्यूज बढ़ती है तो हमें इन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमें ऐसा कोई लॉ तैयार करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में क्या है सर, एक फेक न्यूज पानी कहीं से स्प्रेड होगी तो उसको बढ़ेगी कहां से, हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही तो आगे बढ़ेगी। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस फेक न्यूज को रोक देता है तो अल्टीमेटली ये न्यूज आगे नहीं बढ़ पाएगी और समाज जो है वो पोलराइज नहीं होगा, समझ गए। तो यही है न्यूज थी, ठीक है, फेक न्यूज के बारे में। तो हमें कोई ऐसा लॉ चाहिए जो कि फेक न्यूज को आइडेंटिफाई कर सके एंड देन इसको काउंटर कर सके। और इसमें बहुत ही अहम भूमिका होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फेक न्यूज है, इसको हमें रोकना चाहिए। कुछ समय पहले देख लीजिए सर, डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनकी एक न्यूज सामने आई थी कि HIV के बारे में थी, या इसके बारे में थी कि HIV का जो है पूरी तरह से इरेडिकेशन हो गया, और वो इस तरह से डीप फेक न्यूज। और फेक न्यूज तो आजकल ऐसी आ रही है, ऐसी मशीन आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि आदमी के बोलने की टोन, आदमी बोलते समय कैसे एक्सप्रेशन करता है, वो सब रिकॉर्ड कर सकती है। फेक न्यूज एक तरह लिखी हुई आ गई, कहीं फेक न्यूज आ रही है रिटर्न में, चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज है। अब वही आदमी अगर अपने मुंह से बोल रहा है कुछ और वो आदमी को आप जानते हो और उसको इस तरह से मतलब बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि वो बिल्कुल हूबहू जो है जैसा आदमी बोलता है वो मशीन वैसे ही बोल रही है, और जो आदमी है वो टंग मूवमेंट भी चल रहा है उसका, तो हम सोचेंगे ये आदमी ही कह रहा है। और आने वाले टाइम पे ऐसी फेक न्यूज बहुत ही डेंजरस होने वाली है, तो हमें इसको काउंटर करने के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिए सर, अब तो गवर्नमेंट भी जो है अड़ियल से मोड में आ गई है, और ठीक भी है सर, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, ठीक है। फार्मर्स ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, बट द टाइम जो जिस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये देश की इमेज को जो है मलाइन कर सकता है, नीचे दिखा सकता है, जिससे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारा देश और नीचे आ सकता है। क्योंकि सर समझिए, मैंने कल भी कहा था, अगर आप 26 जैन को परेड करेंगे उससे क्या होगा सर, लोगों को ये दिखेगा कि हमारे स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ये दिखेगा कि सिक्योरिटी कम है, ये दिखाया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, इससे क्या होगा हमारे देश में FDI आने से डरेगा, समझ रहे, FDI डरेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसे देश में कोई भी नहीं आना चाहता जहां अराजकता फैली हो। आप बताइए कितने टूरिस्ट आपके सीरिया में जाना पसंद करते हैं। मैं कल आपसे बोलता हूं कि सर चलिए कोई कंट्री चूज कीजिए जहां पर आप जाना चाहते हैं, क्या आप में से 100 में से 1% लोग भी कहेंगे कि हम सीरिया जाएंगे? आप लोग नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि सीरिया में क्या है, अराजकता का माहौल है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अफगानिस्तान जाएंगे? आप बोलेंगे सर अफगानिस्तान तो नहीं सर, वहां तो तालिबान की लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट से वहां भी जाऊंगा, समझ रहे। तो ऐसी कंट्री में जाना कोई भी पसंद नहीं करता जहां पर अराजकता का माहौल है, ठीक है। चलिए
हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही यहाँ दिखाया जा रहा है। और अभी सरकार ने कहा था कि हम 9 to 18 months के लिए, 12 to 18 months के लिए बिल को डिफर कर देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो है प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो जब सरकार अपनी तरफ से 9 to 18 months के लिए, 18 1.5 years के लिए बिल को डिफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी कॉपरेट करना चाहिए। बट फार्मर्स ने कहा नहीं, आपको ये बिल जो है इसको पूरा हटाना या रिपील करना पड़ेगा, इसको डिफर करने से नहीं चलेगा। और अपने स्टैंड पे फार्मर जो है वो अड़े हुए हैं और ट्रैक्टर रैली करने भी वाले हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सरकार की साइड हूँ सर, कि सरकार ने कहीं ना कहीं बिल को डिफर किया है। और यू नेवर नो सर, 18 महीने में कितने डिस्कशन, कितने क्लॉज इसके सामने आ जाएंगे, तो क्या पता कि ये बिल 18 महीने बाद रिपील भी हो सकता है। तो अभी फार्म जो यूनियन है उन्हें क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी के लिए प्रोटेस्ट को रोकना चाहिए सर, एंड थ्रू लीगल चैनल्स सरकार से पूछना चाहिए, या सरकार को जो है आप कह सकते हैं कि थ्रू लीगल चैनल सरकार से बातें करते रहना चाहिए, एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के बीच में, तभी इसका कोई सोल्यूशन आ पाएगा। डायलॉग जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। बट 26 जनवरी को आप रैली करेंगे पैनल में, जहां पर ऑफिशियल सेरेमनी चल रही है, जहां पर पूरे वर्ल्ड की नजर हम पे है, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन सर। अल्टीमेटली देश की इमेज को मलाइन कर रहा है, ठीक है। एंड आप मानिए अल्टीमेटली सरकार को मजबूरी में फिर हार्श एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये मैटर जो है ये दिल्ली पुलिस हैंडल करेगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, और दिल्ली पुलिस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये एक न्यूज आई है उड़ीसा से हमारे पास सर, एक न्यूज हमारे पास उड़ीसा से आई है। उड़ीसा बीजेपी का जो है अल्टीमेटम दिया है उसने बीजेडी गवर्नमेंट को, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है कौन सी है हमारे मैटर नहीं करता, कि आप जो प्रोक्यूरमेंट कीजिए 72 आवर्स किसका, पैडी का। अब इसका पूरा चक्कर क्या है, क्या न्यूज है, ये देख लेते हैं सर, ठीक है। न्यूज सर ये है, द बीजेपी हैज एक्यूज द बीजेडी गवर्नमेंट ऑफ नॉट एड्रेसिंग द इशू ऑफ फार्मर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर पैडी एज लेस देन एमएसपी। फार्मर जो है अपना जो पैडी है वो मार्केट सेलिंग प्राइस से कम में बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रही है, सरकार का जो एफसीआई वो खरीद नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? उड़ीसा ने क्या किया, ठीक है, फार्मर्स इन वेस्टर्न उड़ीसा एज वेल एज अदर डिस्ट्रिक्ट आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पैडी प्रोक्यूरमेंट एंड मेनी आर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर पैडी बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एमएसपी 1863। लेकिन गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है सर, स्टेट गवर्नमेंट, That इस साल उन्होंने 22% जो है ज्यादा पैडी खरीदा है लास्ट ईयर से, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा रखी है। ये सीलिंग क्या है, पहले सीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो सीलिंग लगा रखी है वो है 19 क्विंटल फॉर एवरी एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड एंड 13 क्विंटल फॉर एवरी एकड़ ऑफ नॉन इरिगेटेड लैंड, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही परचेस करेगा, मतलब एफसीआई जो है सिर्फ इतना ही परचेस करेगा, ये एक सीलिंग लगा रखी है, ये एक सीलिंग लगा रखी है कि हम इतना ही परचेज करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने रिवाइज भी किया है। अब ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है किस पे, सेंटर पे। उन्होंने क्या है, क्लेम दैट द सेंटर इज येट टू गिव 6,039 करोड़ टूवर्ड पेंडिंग सब्सिडी क्लेम फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट। हमारे तरफ सेंटर से तो हमारे पास सब्सिडी नहीं आ रही है, ये क्लेम किया गया है, ठीक है। ऊपर से 15 करोड़ जो है सम है स्टेट ने बोरो किया हुआ। इन शॉर्ट बीजेपी कह रही है सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से उड़ीसा की, कि आप जो है पैडी खरीदिए, खरीदिए और खरीदिए, क्योंकि फार्मर्स जो है वो अपना पैडी एमएसपी से नीचे बेच रहा है, कम दाम पर बेच रहा है, जिससे कि उसको बहुत लॉस हो रहा है। स्टेट कह रहा है कि भाई हमने ऑलरेडी 22% जो है ज्यादा पैडी खरीदा हुआ है इस बार, और ये खरीदा, ये स्टेट की डिमांड है। और स्टेट कह रहा है कि हमें सब्सिडी भी नहीं मिली है सेंटर से, प्लस हमने बाहर से लोन उठाया है ये पैडी खरीदने के लिए एफसीआई के द्वारा, ठीक है। ऊपर से गवर्नमेंट की जो सेलिंग है वो ये है 19 क्विंटल फॉर एवरी एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड खरीदते हैं, और 13 क्विंटल जो खरीदते हैं नॉन इरिगेटेड लैंड से खरीदते हैं। ये सिंपल मैटर आपका होता है सर, कि सेंटर से सब्सिडी जो है स्टेट तक नहीं पहुंच रही है, जिससे कि जो स्टेट का एफसीआई है वो, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसानों से उतना प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रही है, सिंस जितना भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है वो सारा का सारा जो है वो बाहर से मार्केट से लोन उठा। तो कहीं ना कहीं सेंटर को सब्सिडी जो बची हुई सब्सिडी है वो रिलीज करनी पड़ेगी, इससे जो बची हुई जो फसल जो बची हुई है, जो फार्मर जो है एमएसपी से नीचे बेच रहा है, उसको जो है स्टेट खरीद सके, समझ रहे। चलिए, और नो डाउट ये न्यूज पढ़ के ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि इस बार पैडी जो है वो उड़ीसा में ज्यादा होगी, क्योंकि अगर पैडी कम हुई होती तो उनको एमएसपी जो है मंडी में ही मिल जाता, लेकिन मंडी में अगर उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है कि मंडी में जो है पैडी बहुत सारी, समझ रहे। चलिए, एक ये भी था, आप बताइए सर पिछले 3 दिन हमने क्या पढ़ा है।
पहले जो है इंडिया ने वैक्सीन बेची है किसे? भूटान को। फिर हमने उसी दिन किसको बेची? माले को। फिर उसके अगले दिन हमने बेची किसे सर मैक्स वैक्सीन? हमने बेची वैक्सीन किसे आप बताइए? नेपाल को बेची अगले दिन। नेपाल के बाद हमने सर किसे वैक्सीन बेची? हमने बेची बांग्लादेश को। ठीक है, इसके बाद हम किसे बेच रहे हैं? म्यांमार को। फिर हम किसे बेच रहे हैं? मॉरिशियस को। फिर हम किसे बेच रहे हैं? सिचिलस को। सिचिलस को, और यहाँ पर हमने ब्राजील को ही बेच दिया। ठीक है, तो समझिए एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ कंट्री को हम ऑलरेडी जो है वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन प्रोवाइड कर चुके हैं, और इसमें से बहुत सारी जो है ग्रांट है, जो हम पहली जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ ग्रांट दे रहे हैं। ठीक है, ये वही आपका फैक्टर आ गया जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, कि अगर हम खुद ही अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं करेंगे या उसको लेके हम हेजिटेंट रहेंगे तो क्या होगा कल के दिन? जो ये कंट्रीज हैं अभी तो इनको हम ग्रांट दे रहे हैं, और जब ये कॉमर्शियली हमसे कोई डील साइन करेगी तो उस वैक्सीन को उतना अच्छा नहीं करेगी, और इसका अफेक्ट यहाँ सर दिख भी रहा है। जो इन कंट्रीज ने वैक्सीन मांगी है वो मांगी है सर कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, और बनाई किसने है? एस्ट्राजेनिका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कोविशील्ड की मांग इन कंट्रीज में है, तो इतनी कंट्रीज को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, याद तो रखना नहीं है सर, ऐसा इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में बहुत बड़ा कदम है, सिंस इंडिया जो है अपने आप इंडिया को हम लोग कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फार्मेसी पूरे वर्ल्ड का, और इंडिया उस कदम को साबित भी कर रहा है, और साउथ एशिया में इंडिया एज एन लाइक पूरी डोमिनेंट, या एक तरह से पूरा एक कोविड को इरेडिकेट करने का पूरा अपना सहयोग दे रहा है। ये मोदी जी ने कल बताया, जो वैक्सीन को लेकर समस्याएं चल रही हैं, मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि वैक्सीन को मैंने क्लियर नहीं किया है। भाई वैक्सीन को साइंटिस्ट ने जब क्लियर किया है वैक्सीन को, तभी तो हमने उसको इमरजेंसी नॉट के लिए अप्लाई किया है। तो खैर, मोदी ने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर, कि जो वैक्सीन है, जो ये वैक्सीन है जिसको लेके हम जो है भी सेकेंड थॉट हमारे मन में है कि वैक्सीन को कैसे, मतलब कोविड को वैक्सीन जो है उसको एक तरह से इमरजेंसी के लिए नॉट कैसे मिल गया, तो मोदी जी ने यहाँ समझाया है कि साइंटिस्ट ने वैक्सीन को क्लियर किया है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है जिसने कि हम रात को सोए सुबह उठे हमने कहा चलो भाई इसको नॉट नॉट दे दो, ऐसा तो नहीं है। पूरे स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया होगा तभी तो वैक्सीन को नॉट दिया होगा, तो यही मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये एक न्यूज थी जो कि मुझे आपकी हिंदू डेली एडिशन में नहीं मिली, तो वो न्यूज यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। स्टार्ट ट्रीटी क्या है सर? ये एक ट्रीटी है यूएसए और रशियन फेडरेशन के बीच में, जिससे कि ये फर्दर रिडक्शन करेंगे और लिमिटेशन करेंगे किसमें? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, जो कि ऑफेंसिव आर्म्स है जिससे कि खतरा हो सकता है एक दूसरे देश को, उसको जो है रिड्यूस करेंगे और लिमिट करेंगे। ये 2011 फरवरी में साइन हुई थी। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें इतना था कि एक स्टार्ट फ्रेमवर्क ट्रीटी थी 1991 की। ठीक है, स्टार्ट फ्रेमवर्क ट्रीटी थी 1991 की, जो कि एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर बनी थी, ये उसकी सक्सेसर है, उसके बाद ये आई थी, जिसने कहा दोनों साइड जो है 1,600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स रखेगी और 1,600 जो है वॉरहेड्स रखेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि और रिड्यूस करेंगे जो है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल बाय लिमिटिंग बोथ साइड्स टू 700 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स एंड 1,550 ऑपरेशनल वॉरहेड्स। सर देखिए, ये नंबर संभालने इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये नंबर संभालने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना कह सकते हैं हम, जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये एक तरह से आर्म रिडक्शन ट्रीटी है किसके बीच में? यूएसए के बीच में। ये आर्म रिडक्शन ट्रीटी है किसके बीच में? यूएसए के बीच में और रशियन फेडरेशन के बीच में। ठीक है, जिससे कि ये अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है उसको रिड्यूस करेंगे और लिमिट करेंगे। ये 5 फरवरी 2011 को साइन हुई थी। ठीक है, फरवरी 2021 को ये लैप्स होने वाली है। ठीक है, और बाइडन साहब जो नए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, मिस्टर बाइडन, उन्होंने ये अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया है कि इस ट्रीटी को हम रिन्यू करेंगे किसके बीच में? यूएस और रशिया के बीच में। आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट ट्रीटी, जो कि फेब 2021 में एक्सपायर होने वाली है, अनलेस अगर इसे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे 5 साल के पीरियड के लिए। लेकिन अभी जैसा कि सिचुएशन दिख रही है, ये बिल्कुल एक्सटेंड होने वाली है। चलिए ठीक है, और ये लास्ट ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में, कोई आर्म्स रिडक्शन की ये लास्ट ट्रीटी है। इससे पहले एक ट्रीटी थी आपकी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी थी। ठीक है, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान साइन हुई थी। ठीक है, ये न्यूक्लियर आर्म को कंट्रोल करने की ट्रीटी थी,
ठीक है कि कोई स्टॉक पाइल नहीं करेगा, टू एलिमिनेट देयर स्टॉक्स ऑफ इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स को हम जो है स्टॉक उसका स्टॉक जो है कम करेंगे। लेकिन यूएस ने जो है इसमें विड्रॉ किया कब, 2019 में। अब सर देखिए इसकी कहानी समझिए, इसकी कहानी समझिए आप, इसकी कहानी समझिए कि जो भी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, ठीक है आप आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, ये अभी की तो नहीं है सर, ये कब की है, कोल्ड वॉर की है, ठीक है। और आप समझिए अभी क्या नाम है, क्या है, एक नया कोल्ड वॉर चल रहा है किसके बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। एक तरफ यूएस अपने आर्म्स को कम कर रहा है, वहीं चाइना जो है अपने आर्म को बढ़ा रहा है, समझ रहे। यूएस की धीरे धीरे क्या होगी, फिर पावर कम होगी, चाइना की क्या पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ रहे। तो इसलिए यूएस ने जो है इस ट्रीटी से विड्रॉ किया था, कौन सी वाली से, जो ट्रीटी है इससे विड्रॉ किया, क्योंकि यूएस जानता है कि अगर वो अपने आर्म्स को लिमिट करता रहेगा, अपने मिसाइल्स को स्टॉक्स को रोकता रहेगा, वहीं चाइना जो है यूएस के बराबर आने के लिए अपने आर्म्स को बढ़ाते रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। तो इसलिए यूएस जो है आईएनएफ ट्रीटी से बाहर आया है, लेकिन यूएस ने अभी स्टार्ट ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया है। और पुटिन, मिस्टर पुटिन ने, व्लादिमीर पुटिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं सर कैसा होगा कि, और ये लास्ट स्टेब्लिश ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में आर्म्स रिडक्शन को लेकर। तो आई गेस अभी की तो न्यूज सारी हमने खत्म कर ली है, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ न्यूज है जो मैंने देखी थी पेपर में, बट वो उसमें नहीं दिख रही थी, किसमें नहीं दिख रही थी आपकी, कह सकते हैं हिंदू डेली एडिशन में नहीं दिखी थी सर। ये एक मुद्दा था, ठीक है, ये था एमिनेंट आर्टिस्ट रिसीव एविक्शन नोटिसेस टू क्रिएट अ वैकेंट गवर्नमेंट हाउसिंग इन दिल्ली। बस मुझे इसमें आपको चीज बतानी है, होता क्या है ना सर कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट पूल होते हैं, इनको क्या होता है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो होती है क्या करती है, कल्चरल मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे हाउसेस अलॉट करती है, ठीक है। समझिए दोबारा बोल रहा हूँ, अंडर द आर्टिस्ट पूल द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर जो होता है, मिनिस्ट्री जो होती है, थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कल्चरल मिनिस्ट्री हाउस एलोकेट करती है एमिनेंट आर्टिस्ट को, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इनिशियली, ठीक है, और ओवर द ईयर्स इनको एक्सटेंशन मिलते रहता है, और जो लास्ट एक्सटेंशन था वो 2014 में जो है एक्सपायर कर गया, ठीक है। चलिए इसमें जो है पद्मश्री अवार्डी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनको क्या हुआ ना, पेंडेमिक के दौरान इनको एक नोटिस दिया गया अक्टूबर में कि आप जो है ये हाउसेस को खाली कीजिए, आपका जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो चुका है, और इन पे आरोप भी है कि ये जो है टाइम पे जो है रेंट नहीं पे कर रहे हैं। तो इसको लेके एक कॉन्ट्रोवर्सी चली थी एमिनेंट आर्टिस्ट कहते कि हमने देश को सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी हमें इस प्रॉपर्टी से एविक्ट किया जा रहा है या खाली करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी, और अभी न्यूज ये है आज की, इन्होंने ये याचिका जो है वापिस ले ली है, और इनको जो है यकीन है कि इनका एक्सटेंशन जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, समझ रहे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये एमिनेंट आर्टिस्ट है इनको हाउस अलॉट कैसे होता है, यूनियन हाउसिंग एंड अफेयर मिनिस्ट्री जो है रिकमेंडेशन लेती है किससे, कल्चरल मिनिस्ट्री से, और एमिनेंट आर्टिस्ट को जो है हाउसेस अलॉट करती है 3 years के लिए, जो कि इनिशियली था, और टाइम टू टाइम इसको क्या करते हैं एक्सटेंशन होता है, और आखिरी एक्सटेंशन जो है 2014 में आपका एक्सपायर हो गया। चलिए एक ये न्यूज है। एक सर ये इम्पोर्टेंट न्यूज थी आपकी, केरला में एक, आप अगर आप लोग बड़े वाकई में इस चीज से, तो केरला में सर ये चल रहा है ना, केरला स्पीकर असेंबली स्पीकर सीक्स मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन ऑन एलिगेशन ऑफ सीएजी रिपोर्ट। चलिए इसके बारे में मैं एक नॉर्मल सा आपको एक आइडिया देता हूँ, केरला में सर क्या हो रहा है ना, केरला में क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा सर, खाली पेज हमारे पास हो तो बात कर लेते हैं। केरला में क्या हो रहा है सर, केरला में सीएजी ने एक रिपोर्ट दी, ठीक है, केरला में एक केरला जो अपनी स्टेट है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है केरला इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, KIIB, ठीक है। केरला के नीचे एक डिपार्टमेंट काम करता है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इसने क्या किया है सर, इसने मसाला बॉन्ड इशू किया है, मसाला बॉन्ड इशू मतलब मसाला बॉन्ड इसने इशू किया है कहाँ, मतलब फॉरेन बॉन्ड्स होते हैं, फॉरेन मार्केट में इस बॉन्ड को इशू करते हैं और वहां से क्या करते हैं पैसा लाते हैं, ठीक है, ये इंडियन करेंसी में ही इशू होते हैं, ठीक है। कि इन्होंने इस जो ऑर्गेनाइजेशन है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इसने क्या किया है मसाला बॉन्ड को इशू किया है फॉरेन मार्केट में और वहां से जो है पैसा लाया है, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की है। अब इसने क्या किया है, इसने एक सीएजी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है जो KIIB है, इसने
अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये पैसा उठाया है, क्योंकि जो स्टेट होता है, स्टेट की जो लिमिट होती है वो सिर्फ एक टेरिटरी के अंदर होती है, वेरेज अगर स्टेट्स के बाहर आपको जो है पैसा उठाना है तो वो जो है वो आपको सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा भी होगा, उसके लिए जो है आपको सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक मिनट दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे इसे उसको देख के। एक मिनट दीजिएगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए द के आई डी हैज रेस्ट इतना करोड़ थ्रू द मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स आर इशूड बाय द इंडियन एंटिटी आउटसाइड द कंट्री टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन इंडियन करेंसी एंड नॉट फॉरेन करेंसी। ठीक है, KIIFB became the first state government agency to make a debut in the international market. ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना सर, आर्टिकल 293(1) जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि the executive power of a state extends to borrowing within the territory of India, while 293(3) states that state may not raise any loan without the consent of the union government. समझ रहे, मतलब स्टेट के कंट्री के बाहर से अगर आप कोई लोन रेज करते हैं तो उसमें आपका आपको यूनियन गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, और उन्होंने कंसेंट नहीं लिया। तो सीएजी की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जो केआईआईएफबी है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, केआईआईएफबी जो है, एफ से फंड होता है, फंड बोर्ड जो है ये आपका, इसने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से जो है मसाला बॉन्ड के थ्रू बाहर से पैसा लाए हैं। इन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है सबमिट की है और वो अभी असेंबली के सामने लेट की जाएगी। यही पूरी केरला की कंट्रोवर्सी है। और एक छोटा एक और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो, एक इसाक है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को जो है ऐसा, मतलब एक हमारे पास एक कहते क्या है, मतलब एक रूल है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो असेंबली में डिस्कस होने से पहले कहीं बाहर लीक नहीं करनी चाहिए, ना उसके क्लॉज को बाहर डिस्कस करना चाहिए। तो इसाक साहब ने क्या किया था, उन्होंने जो है सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक किया था मीडिया के सामने, ये कहकर कि इन्होंने KIIFB को लेकर जो है गलत बात की है, या उसको लेकर ये उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में लाए, इनके ऊपर जो है कंडक्ट ऑफ प्रिविलेज जो आप कहते हैं उसके थ्रू आरोप लग गए। समझ गए, तो यही पूरा है केरला का इश्यू। इसके बारे में जैसी न्यूज आती है समझाऊंगा सर, क्योंकि डेली एडिशन में इसकी कोई न्यूज नहीं है, कलकत्ता एडिशन में इसकी न्यूज दी गई थी, तो मैंने इसको ऑनलाइन निकाल दिया। ठीक, अभी के लिए गुड बाय सर। बाकी ये एक सेशन है, हम बात कर रहे थे एक सेशन की, जो कि मैं आपको बताने वाला था, एक न्यूज थी आपकी, इसमें आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो है डिफरेंट नॉर्म्स जो है एक पैरामीटिकल स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें रेगुलेटरी जो है डिजाइन किया है, जिसको एक कह सकते हैं पेपर लाए हैं वो। ठीक है, उस पेपर में 42 पेजेस है, उसको मैं अभी भी रीड कर रहा हूँ, जैसे वो खत्म होता है विद इन अ कपल ऑफ डेज वो सेशन आपके लिए आऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, चलिए सर, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।